नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने यानी अगस्त में मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। यदि केंद्रीय बैंक ऐसा करता है तो यह लगातार चौथा मौका होगा जब वह ब्याज दर घटाएगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी। बता दें कि RBI ने 2019 में रेपो रेट में अब तक 0.75% की कटौती की है। हालांकि बैंकों ने अभी तक सिर्फ 15 से लेकर 20 बेसिस पॉइंट का फायदा दिया है। RBI की अगली पॉलिसी बैठक 7 अगस्त को होगी। दास ने कहा कि अगला पॉलिसी निर्णय आने वाले डाटा, खासकर महंगाई डाटा पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, हमने अभी तक 75 बेसिस पॉइंट्स ब्याज दरें घटाई हैं और हम अकोमोडेटिव पर शिफ्ट हो गए हैं। अकोमोडेटिव पर शिफ्ट होने का मतलब है कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। दास के कमेंट के बाद 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 9 बेसिस पॉइंट बढ़कर 6.45% हो गई। दास ने कहा, RBI ने 2019 की शुरुआत में अभी तक ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, लेकिन बैंक ने 15 से 20 बेसिस पॉइंट कर्ज सस्ते किए हैं। सरकार ने जुलाई में फिस्कल डेफिसिट टारगेट को 3.4% से घटाकर 3.3% कर दिया है, जो फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में 3.4% था। ब्याज दरें घटाने का मतलब है कि अब बैंक जब भी RBI से फंड लेंगे, उन्हें नई दर पर फंड मिलेगा। सस्ती दर पर बैंक को मिलने वाले फंड का फायदा बैंक अपने उपभोक्ताओं को भी देंगे। यह राहत आपके साथ सस्ते कर्ज और कम हुई EMI के तौर पर बांटी जाती है। इसी वजह से जब रेपो रेट घटता है तो आपके लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। साथ ही जो कर्ज फ्लोटिंग है उनकी EMI भी घट जाती है। जिन ग्राहकों के लोन MCLR से जुड़े हैं उनकी EMI का बोझ कम होगा। इसके लिए जरूरी है कि बैंक SCLR में कटौती करे। हालांकि फायदा तभी से शुरू होगा जब लोन की रिसेट डेट आएगी। अमूमन बैंक 6 महीने या साल भर की रिसेट पीरियड के साथ होम लोन की पेशकश करते हैं। रिसेट डेटा आने पर भविष्य की EMI उस समय की ब्याज दरों पर निर्भर करेगी। जिन ग्राहकों के अब भी बेस रेट या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से जुड़े हैं, उन्हें अपने होम लोन को MCLR आधारित व्यवस्था में स्विच करने पर भी विचार करना चाहिए। कारण है कि नई व्यवस्था पर पारदर्शिता अधिक है। इनमें पॉलिसी रेट में कटौती का असर तुरंत दिखता है। नए होम लोन ग्राहक MCLR व्यवस्था में लोन ले सकते हैं। उनके पास एक्सटर्नल बेंचमार्क व्यवस्था का मूल्यांकन करने का भी विकल्प है। इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इस तरह की व्यवस्था पर दिशा निर्देश आने बाकी हैं। धन्यवाद।